अफगानिस्तान में तालिबान राज की शुरुआत हो गई है। पूरे मुल्क पर तालिबान लड़ाकों का कब्जा है। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन अब अफगानिस्तान की आम जनता ने तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। 19 अगस्त को अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में अफगानी जनता राष्ट्र झंडा लेकर सड़कों पर उतर आई। अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में हो रहे इन प्रदर्शनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। खास बात यह है कि तालिबान के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों में सबसे आगे अफगानी महिलाएं हैं, जो कि तालिबान से अपनी आजादी की मांग कर रही हैं। तालिबान की ओर से 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा करने के बाद से इस्लामाबाद शहर में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें सफेद तालिबान के झंडे फाड़ दिए गए। ये प्रदर्शन एक बार फिर से देश की सत्ता पर कब्जा करने वाले तालिबान के विरोध में उठने वाले पहले स्वर के तौर पर भी देखा जा सकता है। महिलाओं सहित सैकड़ों प्रदर्शनकारी काबुल में राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए और हमारा झंडा हमारी पहचान के नारे लगाते हुए इकट्ठा हुए। तालिबान लड़ाकों ने भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश में कुछ प्रदर्शनकारियों को घेर लिया और उन्होंने चिल्लाते हुए हवा में राउंड फायरिंग भी की। तालिबान की गोलाबारी में कई लोगों की मौत। अफगानिस्तान में स्वतंत्रता दिवस रैली में राष्ट्रीय ध्वज लहराने पर तालिबान लड़ाकों द्वारा भीड़ पर गोली चलाने के बाद कई लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही गोली चलाई गई तो लोग दहशत में आ गए और भगदड़ मच गई। ऐसे ही एक विरोध के खिलाफ एक दिन पहले ही तालिबान की ओर से गोलाबारी में 3 नागरिकों की मौत हो गई थी। बेशक अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए हों और अत्याधुनिक हथियार और प्रशिक्षण के बावजूद अफगान सेना ने सरेंडर कर दिया, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि तालिबान को ललकारने वाले चंद लोग अभी भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। आपको बता दें कि ब्रिटिश हुकूमत के दौरान 1901 से पहले तक अफगानिस्तान का झंडा सादे काले रंग का होता था, लेकिन 1901 में गहरे काले रंग के झंडे में एक मोहर लगाई गई, जिसमें एक दूसरे को पार करती हुई तलवारों के ऊपर एक मस्जिद दिखाई देती है। 1926 में अफगानिस्तान को गणतंत्र घोषित किया तो उसके झंडे से तलवारें हटा दी गईं। 1929 में अफगानिस्तान में एक बार फिर गणतंत्र की घोषणा हुई तो 3 रंग के झंडे के बीच में मस्जिद दिखने लगी। 1933 में झंडे में मस्जिद के साथ गेहूं की बालियों का डिजाइन जोड़ा गया, जो अफगानिस्तान की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद 1986, 1992 और 1994 में भी अफगानिस्तान के झंडे में कई बदलाव हुए। फिर आया साल 1996 का दिन, जब तालिबान ने 2 साल की लड़ाई के बाद काबुल पर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान को एक इस्लामी अमीरात घोषित कर दिया, और इसके बाद वही झंडा लहराया गया जो आज लहराया जा रहा है। 2002 में अफगानिस्तान में जब हामिद करजई राष्ट्रपति बने तो झंडा फिर बदल दिया गया। 2013 में आखिरी बार अफगानिस्तान के झंडे में बदलाव हुआ था और अब अफगानिस्तान के लोग इसी झंडे को हाथों में लेकर तालिबानी झंडे का विरोध कर रहे हैं। झंडा किसी भी देश का एक चेहरा होता है, उसे जब मन आए तब बदल देना एक तरह से राष्ट्र की पहचान के साथ मजाक करना होता है।